Dear students, I am very pleased to welcome you all in this course of data science organized by Virtual University of Pakistan. Data science is one of the most advanced subjects and it is going to continue for many, many years to come. And trust me, by joining this course, you have made one of the best decisions of your life and it is going to pay you for very, very long years and time to come. इस कोर्स में बेसिकली हम ये देखेंगे कि डेटा साइंस है क्या डेटा साइंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं ये किस तरह से काम करती है डेटा आता कहाँ से है डेटा प्रोड्यूस कौन करता है डेटा स्टोर कौन करता है तो देर इज़ अवज यू नो एक्ोसिस्टम अराउंड डेटा साइंस और इन आप जैसे जैसे इस कोर्स को पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स को स्टडी करेंगे तो आपका जो नॉलेज है इसमें वो इंक्रीज़ होगा स्टेप बाई स्टेप और आपको एक चीज़ मैं आई वुड स्ट्रॉगली एडवाइज़ कि आप अपने तौर पे भी इस सब्जेक्ट को डेफिनेटली जो हमारे कोर्सेज़ हैं जो हमने डिज़ाइन किए मॉड्यूल उनको भी देखिए उसके साथ साथ जो और इंटरनेट पे ब्राउजिंग करें अपना और जो आपको मटेरियल मिल मिलता है उसको देखें और जो इंडस्ट्रीज़ हैं आपके इर्द गिर्द जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर डाटा क्रिएट होता है वो डाटा प्रोड्यूस कैसे होता है डाटा को यूज़ कैसे करना है आपने तो वो भी आप इसके साथ साथ रखेंगे तो आई एम श्योर विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप लोग जो है इसको जो बेसिकली जो एक मिथ है इसके पीछे के डेटा साइंस आप उसको बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर सकेंगे और फिर आप उसको अपनी स्टडीज़ में और लेटर ऑन इन योर जॉब्स आप इसको अप्लाई कर सकेंगे अगर हम ये देखें आज के दिन में हर इंडिविजुअल आप हैं आपके दोस्त बाब है, है मैं हूँ कि हम लोग कितना डेटा डेली प्रोड्यूस करते हैं हम कितना डेटा ओन करते हैं आज के दिन में हर जो इंसान है इस मॉडर्न वर्ल्ड में एवरी वन इज़ हैविंग अ फेसबुक अकाउंट सोशल मीडिया के डिफरेंट अकाउंट्स हैं सब के ई मेल के अकाउंट्स हैं इसका मतलब ये कि हर बंदा एक ख़ास अमाउंट ऑफ डेटा कै प्रोड्यूस करता है फिर उसको मेनटेन करता है अच्छा अब इसके अलावा आप देखें जो ट्रांजेक्शन हम दिन में करते हैं फर्ज करें मैं ए टी एम पर जाके पैसे निकलवाता हूँ आप किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाके कोई मे बी यू आर बाइंग अ ड्रिंक और समथिंग आप, ए, आप बैंक से चेक कैश करवाते हैं आप कोई और को तो इत, जितने भी हम ये काम करते हैं आप आ, इंटरनेट पे जाके सर्च कर रहे हैं आप अपने अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग एक बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि किसी न किसी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इसकी बेस पे अब आप ये देखें कि जो डाटा हम प्रोड्यूस करते हैं उसी डाटा की बेस पे बहुत सारे लोगों का बिज़नेस उसके पीछे रन कर रहा है लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे आपको डिफरेंट मैसेजेस आते हैं डिफरेंट कम्पेन्स आपके पास आती हैं ये चीज़ ख़रीदें ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ बुरी है तो ये सारे का सारा काम जो हो रहा है बेसिकली ये डेटा के ऊपर हो रहा है वो डेटा जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसको फिर एनालाइज़ किया जाता है उस एनालिसिस की बेस पे कुछ डिसीजंस किए जाते हैं वो जो सारा काम है उसको जब आप साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो देन इट इज़ इट बिकम्स डेटा साइंस अच्छा अब ये देखिए कि जो डेटा हम प्रोड्यूस करते हैं वो किस तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है आप अब ये देखिए कि जब मैं किसी के पेज को लाइक करता हूँ तो उससे क्या होता है कि उस पेज जो उस पेज का ओनर है किसी भी सोशल मीडिया का कोई अकाउंट है या कोई पेज है उसको जब कोई बंदा नंबर ऑफ पीपल उसको जा लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं उसके बारे में कमेंट्स करते हैं तो वो उसको पता चलता है जो फ़र्ज़ करे वो किसी कंपनी का एक ई e कामर्स का अकाउंट है उसके ऊपर कितने लोग आए कितने लोगों ने विज़िट किया कितनों ने डिसलाइक किया कितनों ने उसको लाइक किया तो उससे वो जो पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर है उसको ये पता चलता है कि उसकी क्या रेटिंग है लोग उसको कितना पसंद करते हैं कितना नापसंद करते हैं उनकी कोई ख़ास प्रोडक्ट है कोई ख़ास सर्विस है उसको कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसी तरह बेशुमार बेशुमारगज़ाम्पल्स हैं अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो ये फ़र्ज़ करें टूअर ऑपरेटर है आप इंटरनेट पर जाके सर्च करें कि होटल के लिए तो फ़ौर आपको फ़र्ज़ करें आप जाके सर्च करते हैं जी मैंने कराची के लिए मुझे होटल बुक करवाना है तो फ़ौर आपको रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती है ये फ़लाँ होटल कराची का नंबर वन है ये नंबर टू है इसका रेट ये है इसका रेट ये है इसमें साथ ये फैसिलिटीज़ हैं तो ये कैसे मुमकिन है सारा ये सारा जो पूरा मैकेनिज्म है इसके पीछे दैट इज़ कॉल्ड डेटा साइंस तो ये इसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं एडवांटेजेस हैं डेटा साइंस के ये हैं और दे एन नंबर ऑफ़ एप्प्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस इन ओवर लाइफ फिर आप इसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हम देखेंगे जैसे जैसे हम इसकी फ़र्दर एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे तो यू विल लर्न कि इससे क्या क्या फ़वाद हासिल हो सकते हैं इंडिविजुअल को कंपनीज़ को इसी तरह डिफरेंट नेशनल लेवल पर भी इसके डि डिफरेंट जो हैं वो आपको एडवांट और कुछ डिसएडवानटेज़ भी हैं ऑबवियसली लेकिन हमारा फोकस होगा कि हम डेटा साइंस को मैक्सिमम किस तरह से यूज़ करते हैं और कितना अच्छा इसको बिजनेस के लिए या सोशल इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए कितना अच्छा इसको यूज़ किया जा सकता है अच्छा अब डेटा हमने प्रोड्यूस कर लिया अब वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है हम अगर देखें जो फ़र्ज़ करें गूगल है एवरीबॉडी न्यूज़ ठीक है अब गूगल ने अब उसके अंदर एनालिटिक्स के जो है ना गूगल एनालिटिक्स अलीदा से कुछ टूल्स दे दिए हैं अब गूगल जो है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो है सर्च इंजन है आप दुनिया जहान की कोई चीज़ जाकर गूगल पर डालें आपको कोई ना कोई जवाब मिल जाएगा और कुछ ऐसी सर्चिज़ होती हैं फ़र्ज करें कि आपने जाकर उसके ऊपर डेटा साइंस ही लिखा है आपने टाइप किया गूगल में सर्च किया तो फ़ौर आपको डेटा साइंस से रिलेटेड हज़ारों बल्कि मे बी इन सम सिचुएशंस लाखों आपको जो है ना वो रिजल्ट्स मिलेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है होता ये है कि बहुत सारे लोग तो उस पर एडवर्टाइज़ करते हैं बहुत सारी दुनिया में जो वेबसाइट्स हैं जो कंपनियों की वेबसाइट्स हैं फर्ज करें आई की कंपनीज हैं जिनकी वेबसाइट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डेटा साइंस पढ़ाती हैं फिर वो लोग हैं जिनको डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है वो सब लोग गूगल पे एडवर्टाइज़ करते हैं उनकी वेबसाइट्स पे वो इन्फॉर्मेशन है और गूगल क्या करता है वो सारे का सारा डाटा अपने पास स्टोर करता है जब वो डाटा स्टोर हो जाता है अब मैं या आप जाके जब कोई सर्च इंजन में कोई एक टॉपिक लिखते हैं तो वो गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन लर्निंग का इंजन है वो जाके उस चीज़ को ढूंढता है और उससे रेलिवेंट जितने भी ऑप्शन हमारे पास उसके पास होते हैं वो हमें डिस्प्ले कर देता है तो ये एक बड़ा बेसिक सा मेकनिज़म है जो कि डाटा साइंस का और आई बिलीव इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड क्योंकि सब लोग आजकल जो है हम और स्पेशली स्टूडेंट्स हैं दे मेक अ लॉट ऑफ गुड यूज़ ऑफ़ इंटरनेट और इंटरनेट में जब हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो गूगल और गूगल के ऊपर जब एनालिसिस की बात करते हैं तो गूगल एनालिटिक्स ये बेसिकली हमारा जो इसका है वो यूज़ है कि हमने डाटा स्टोर किया डाटा को हमने एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसको रिप्रेजेंट किया उसकी बेस पे कोई डिफरेंट डिसीजन किए ये इन इनअर नटश डेटा साइंस है अच्छा अब डेटा साइंस जब हम इसको कमर्शियली देखते हैं तो इसके कम्पोनेंट हैं डिफरेंट डेटा आप सबसे पहले बिजनेस प्रॉब्लम को देखते हैं डेटा को स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए किस तरह मैंने उसको लेना कैसे है डेटा ना सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कि डेटा कहाँ पड़ा है मैंने उसको लेना कैसे फिर मैंने उसको स्टोर कैसे करना है उसकी इंजीनियरिंग कैसे करनी है फिर उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करने हैं बिजनेस लॉजिक मैंने उसके उसको ऊपर परफॉर्म करने हैं और फिर मैंने उस डेटा को एक प्रजेंटेबल वे में इस तरह से देना है कि जो बंदा या जो भी कोई डिसीजन मेकर है किसी कंपनी में कहीं भी वो उसको उस डेटा से क्या फ़ायदा लेना चाहता है तो उसको वो फ़ायदा फौरी तौर पे मैसर हो तो उसके लिए ये पूरा जो साइकिल है कि पूरी स्ट्रेटजी बने डेटा को स्टोर करने की एक्सट्रैक्ट करने की उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करने की और फिर उसकी विजुअलाइजेसन की तो ये सारी चीज़ें आप इनशाला जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उनमें पढ़ेंगे भी उनको हैंड्स हैंड् आपकी एक्सरसाइज भी होंगी एंड दैट इज़ हो वी आर गोइंग टू द होल जो इसका साइकिल है जो पूरा प्रोसेस है डेटा साइंस का आप इसमें से बार बार गुजरेंगे और इसको जो है ना यू विल कंप्री हेंड यूर एक्सपर्टिस इन दिस एरिया डेटा इंजीनियरिंग जो है ये जैसे मैंने अभी बताया कि डेटा इंजीनियरिंग इज बेसिकली डेटा को आपने स्टोर कैसे करना है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना विद इन द डाटा बेस तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली इसको हम कहते हैं डेटा इंजीनियरिंग इसके अंदर डाटा बेस की डेवलपमेंट की चीज़ें आ जाती हैं उसके उस डेटा बेस के अंदर जो आप पार्टीशनिंग होती है इंडेक्सिंग होती है इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं ये सारी बेसिकली आपकी डेटा इंजीनियरिंग है फिर उसके बाद डेटा को जब आपने एनालाइज करना है तो यू हैव टू यूज़ सर्टन मॉडल्स इसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल्स आते हैं कि आपने डेटा के ऊपर कौन सा मॉडल अप्लाई करना है ताकि आप डेटा को जब उस मॉडल से निकालते हैं उस प्रोसेस में से एनालाइज करते हुए दैन यू गेट सम रिज़ल्ट वो रिज़ल्ट कितने डिपेंडेंट हैं क्या आप वो स्टेटिस्टिकल मॉडल को यूज़ करते हुए क्या आप कोई फ़ैसला कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो दिस इज़ अबाउट अनालस ऑफ डेटा और फिर इसका जो फाइनल और जो लास्ट एरिया वो बेसिकली उसकी प्रेजेंटेशन है वो ये कि आप जो डिफरेंट बिजनेस एरियाज हैं उसके अंदर आपने उनको किस तरह से यूज़ करना है आप बैंकों में देख लें फाइनेंस में देख लीजिए आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में देख लें आप रिटेल में देख लें हर जगह जो है बेसिकली आपको इसकी बेशुमार जगहों पे जाके ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम ये देखें कि अगर रिटेल है कोई कंपनी रिटेल इंडस्ट्री है कोई हमारे इस वक्त पाकिस्तान में बेशुमार रिटेल चेन स्टोर किसी है किसी एक ही अगर आप इग्ज़ैम्पल ले लें ले, तो किसी की सौ ब्रांचें हैं किसी ची की दो सौ ब्रांचें हैं किसी की पाँच सौ ब्रांचें हैं तो वो करते हैं क्या कि वो हर ब्रांच पर जो सेल हो रही है उसको इकट्ठा करते हैं फिर वो ये देखते हैं कि अच्छा अब मेरी कौन सी चीज़ फ़र्ज कर एक फ़ैशन स्टोर है कपड़ों का तो कौन सा कलर ज़्यादा बिकता है कौन सा साइज़ ज़्यादा बिकता है किस मौसम में कौन सी चीज़ बिकती है सर्दियों की आइटम्स कौन सी हैं समर की आइटम्स कौन सी हैं तो बच्चों के कितने कपड़े बिकते हैं लेडीज़ के जेंट्स के इस तरह वो डिफ़रेंट जो डाटा है वो सारे का सारा उनके पास एक्यूमुलेट होता रहता है और उसको फिर वो बेसिकली ये करते हैं कि उस डाटा को वो यूज़ करते हैं अपने ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए फिर उसी डाटा को वो यूज़ करते हैं अपने अगले सालों की प्लानिंग करने के लिए तो ये बेसिकली एक ओवरऑल इन नट नटशेल मैंने आपके साथ शेयर किया है कि डाटा साइंस और फिर इसको जो हम इंशाल्लाह अगले जो हमारे मॉड्यूल हैं उनमें अनफोल्ड करेंगे चीज़ों को वन बाई वन और इस तरह फिर आपकी ये जो इस कोर्स के अंदर जो लर्निंग है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी थैंक यू